अपने माँ बाप से ऐसी बात करेंगे कि किसी नौकर से बात कर रहे हैं, तो समझ जाना कि आज आप आने वाला है। आज यही हो रहा है मेरे भाई, आंधी आती है और किसी के घर उड़ाने जाते हैं, आंधी आती है चप्पल उड़ाने जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। और आप देखते हैं जमीन में सिलसिला आता है, लोग अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जमीन को बेवफा बना देते हैं, जमीन में सिलसिला आनी शुरू होती है। और सिलसिला आता है, किसी का मकान गिरता है, किसी का दुकान गिरना शुरू हो जाता है, इसी पर बस नहीं। और फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि समंदर को शरकत बना दिया जाएगा। आप देखते हैं बाहर का मौसम है, आपने धान लगाया लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सात मरतबा सैलाब भेजा, आपके धान को बर्बाद कर दिया। वजह क्या है? आज हम लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की कदर नहीं करते, इसलिए हमारे साथ ये मामला पेश आ रहा है। मेरे भाई हाल भाई इंशाल्लाह माँ बाप की नाफरमानी कैसे करेंगे? देखिए इंशाल्लाह माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, खिदमत करेंगे भाई इंशाल्लाह। अगर आप माँ बाप की खिदमत करते हैं मेरे भाई, आपको वो मिलने वाला है इस वाकया में, सुनिए। अगर आप माँ बाप की खिदमत करते हैं मेरे भाइयों, एक शख्स था उनके पास वालिदैन में से वालिद था, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, बड़े भाई थे और छोटे भाई थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं विरासत तकसीम कर लेते हैं। बड़े भाई ने कहा अरे भाई एक काम करो, आज विरासत तकसीम कर लो, बाप जिंदा है उनके सामने विरासत तकसीम कर ली जाए। कहा ठीक है कर लो, हमारा ही फायदा है। तो उन्होंने कहा विरासत तकसीम कर लो, तो छोटे भाई ने कहा ये बाप को मुझे दे दीजिए, वाली साहब को मुझे दे दीजिए, वाली साहब मेरे तरफ रहेंगे, वाली